देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से अर्थव्यवस्था में घबराहट बढ़ गई है। अभी तक बीते साल के लॉकडाउन से इकोनॉमी उबर नहीं पाई और अब कोरोना की दूसरी लहर से उद्योग जगत को जोर का झटका लगा है। ऐसे में अगर लॉकडाउन का दायरा बढ़ता है तो फिर आर्थिक गतिविधियां ठप हो सकती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच महाराष्ट्र में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से उद्योग जगत सहम गया है। कारोबारी दुनिया को आशंका है कि अगर कोरोना संक्रमण के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो आर्थिक हालात फिर से नाजुक हो सकते हैं। दरअसल पाबंदियों का दायरा बढ़ने पर काफी नुकसान हो जाएगा। अभी तक तो उद्योग जगत पिछले साल लगे लॉकडाउन के चलते हुए नुकसान की भरपाई करने की जद्दोजहद में ही जुटा है। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम पर जो मैन्युफैक्चरिंग थी या जो सप्लाई चेन थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई और उसकी वजह से छोटे से बड़े गृह उद्योग या आम जनता तक पहुंचने वाले सामान तक महंगे होते हुए नजर आए और उनमें अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। हालांकि जीडीपी के नंबर्स जरूर अच्छे होते हुए नजर आए, लेकिन जो अब यहां पर इकोनॉमिक हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं या कोरोना के जिस तरीके से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर लॉकडाउन होता है तो अब वापस से गृह उद्योग जो हैं वो पटरी पर नहीं आ पाएंगे और रोजमर्रा की चीजें काफी महंगी होती हुई नजर आएंगी। पिछले साल के लॉकडाउन के बाद अब तक उद्योग सामान्य स्तर पर नहीं आ पाए हैं। कच्चे माल की कीमतों में इजाफा होने से बाजार में ग्राहक की आवाजाही घटी है, जिसने डिमांड को कमजोर किया है। मुश्किल से पटरी पर लौटने को संघर्ष कर रहे कारोबारी जगत को फिर से हालात बिगड़ने पर कामकाज जारी रखने में मुश्किल होगी। इससे मजबूरी में कई उद्योग बंद हो सकते हैं, जिससे कारोबारियों से लेकर कर्मचारियों तक के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। पहले ही कई इंडस्ट्रीज 3-4 साल से पहले मंदी के साए से बाहर निकलने की हालत में नहीं है। जाहिर है इस कदम से कमजोर हो चुके हालात में कोरोना का बढ़ता संक्रमण खतरे का बड़ा संकेत लेकर आ रहा है। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो पूरे भारत में पर डे 1,00,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड लॉस होता था और 22 दिन के लॉकडाउन में पूरी तरह से इकोनॉमी बैठ गई थी और हम लगभग 5 साल पीछे अपनी ग्रोथ से जा चुके हैं। और यहां पर अब छोटे या बड़े जो गृह उद्योग हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला था और अभी भी जॉब उतने लोगों की नहीं लग पाई जितने लोगों की जॉब लॉकडाउन के टाइम पर गई थी। तो इकोनॉमी में इस तरीके की जो सिचुएशन है उसको लेकर के काफी चिंता यहां पर अभी बनी हुई है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब से लेकर अब तक कई उद्योगों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में दोबारा वैसे ही हालात बनने पर कई कारोबारियों के लिए फिर से कारोबार को पटरी पर लाना मुश्किल हो जाएगा। पहले लॉकडाउन और फिर कच्चे माल की कीमतों में उछाल की वजह से उद्योग पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इससे कोरोना में जेब खाली करा चुके लोगों के लिए खरीदारी करना आसान नहीं है। ये खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को कड़ी चोट पहुंचा सकता है। ऐसे में वैक्सीन और कोरोना से बचाव के सभी तरीकों को अपनाकर ही अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। इसमें सरकार से लेकर हर नागरिक तक की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। देश में दुर्लभ बीमारियों के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने रेयर डिजीज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के आने के बाद अब असाध्य रोगों का इलाज कराना सस्ता हो सकता है, साथ ही सरकार भी मरीजों की मदद के लिए रकम का इंतजाम करेगी। अब दुर्लभ बीमारियों का महंगा इलाज कराना, आम आदमी की पहुंच में आना मुमकिन हो सकता है। दरअसल सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी का मकसद है कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज का खर्च घटाया जा सके। सरकार ने इस पॉलिसी से जुड़े अलग अलग स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से राय मशवरा करने के बाद इसे मंजूरी दे दी है। जानकारों का मानना है कि ये पॉलिसी दुर्लभ बीमारियों के मरीजों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में एक शुरुआत भर है।
अभी इस पॉलिसी में कई तरह के बदलाव किए जाने जरूरी है, जिससे इन मरीजों को आसान और सस्ता इलाज मुहैया कराया जा सके। इसमें जो दो तीन चीजें चिकित्सक होने के नाते जो मुझे लगती है, पहली चीज तो ये है कि कुछ उपचार बहुत महंगे हैं और क्राउड फंडिंग शुरू होने में या इकट्ठा होने में बहुत समय लगेगा, तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा इसके अंदर ज्यादा पैसे की व्यवस्था करे, ताकि ऐसे बच्चों को जो कि हो सकता है कि समय के साथ साथ उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए, उससे पहले उनको उपचार की कोई सुविधा मिल सके। हर प्रदेश में कम से कम भी दो हॉस्पिटल्स ऐसे आइडेंटिफाइड हों जो दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए सक्षम हो और वो उपचार दे सके, ताकि मरीजों को लंबी लंबी यात्रा न करनी पड़े। सरकार द्वारा दुर्लभ रोग नीति की घोषणा एक व्यापक व स्वागत योग्य कदम है। इससे चिकित्सा और उपचार के लिए व्यापक व सुगम व्यवस्था होगी। अतः अब नीति लागू होने के बाद जमीनी तौर पर काम करना काफी जरूरी हो गया है, जो कि नीति की सफल कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। दुर्लभ रोग की शिक्षा, जागरूकता, निदान व उपचार के साथ रोगों के लिए अनुकूलित साधन लाने के लिए हम सबको नए तरीके के समाधान सरकार के साथ साझेदारी में लाने होंगे। हालांकि सुधार तो हर कदम पर जरूरी है, इसके बावजूद ये पॉलिसी लंबे इंतजार और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जब आई है तो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत का सबब बनकर आई है। दुर्लभ बीमारियों का इलाज सस्ता करने के साथ ही इसमें देश में ही रिसर्च करने और दवा बनाने पर फोकस करने का जिक्र है। इसमें मरीजों को इलाज के लिए एकमुश्त 20 लाख रुपए देने का प्रावधान है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए क्राउड फंड के जरिए रकम जुटाने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के लिए पॉलिसी में अस्पतालों से डेटा जुटाकर मुहैया कराने की बात भी इसमें कही गई है। पॉलिसी में इस तरह के बीमारियों को जल्द पहचान कर उनका वक्त पर इलाज करने की बात भी कही गई है। जानकारों का मानना है कि इंश्योरेंस के तहत किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है, इस पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। अभी पेशेंट को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे भी सपोर्ट स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि जैसे पॉलिसी में वन टाइम ट्रीटमेंट वाला डिसीज को स्टेप्स बताया गया है, जैसे ही जिन डिसीज को लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ता है उनके लिए भी कुछ करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें नहीं बताया है, वो है इंश्योरेंस। अगर गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दिए तो इनका भी लाभ पूरा रेयर डिसीज पेशेंट को मिल सकती है। कुल मिलाकर इसे एक बेहतरीन शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हर मरीज का इलाज किया जा सके, इस दिशा में काम करने के लिए अभी जिन खामियों को उजागर किया जा रहा है, अगर वो भी इसमें शामिल कर ली जाएं, तो फिर वाकई ये एक आदर्श पॉलिसी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल बिजनेस आज तक में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक।